कलाधीन है, साक्षात पशुपक्ष विशाल है। अगर उससे कहा जाए कि अगले जन्म में क्या चाहते हो, तो मेरा मन ये है कि अगले जन्म में मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ। दूसरी बात, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हम लोग स्वीकार नहीं करते नैतिकताओं के चक्करों में। ये सच है, हम सब लोग प्रेम करते हैं, हम सब लोग प्रेम चाहते हैं, प्रेम जीवन की पराकाष्ठा। और आचार्य भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा तो रसराज बताया, शृंगार, शृंगार रसराज है, रसों का राजा है। एक बात कहना चाहता हूँ, पहले आज से 25 साल पहले मैं दिल्ली जयपुर जा रहा था, काफी कम उम्र थी मेरी, यंग था उस टाइम, तो मेरे बगल में मेरी एज की लड़की बैठी हुई थी, तो लेखक थी, उसका मेरा परिचय हुआ, तो मैंने उससे बातचीत शुरू हुई, उसने कहा क्या करते हो, लेक्चर, उस समय लेक्चर था, हॉस्टल पर प्रोफेसर लेट बनते हैं, बढ़ावे बनते हैं प्रोफेसर, तो क्या हुआ कि बातचीत शुरू में कहा, अच्छी पहले की लड़की बुद्धि बहुत ही लड़की थी, मतलब मेरी उम्र थी, उसने कहा सर संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रेम पर लिखा, संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रेम पर लिखा। तुमने क्या कहा, तुम्हारी कैसे गुस्सा हो गए, तुम्हारा बोला संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य प्रेम की विषय वस्तु पर लिखा गया, क्यों, जब प्रथम पुरुष श्रद्धा तनु आए होंगे उन्होंने प्रेम किया, इसलिए प्रसाद जी लिखते हैं कामायनी में, हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाएं, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय को पाए, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तत्व की प्रभा था। माने अचानक एक अवसर आती है, देखिए एक पुरुष परेशान है, हैंडसम है, सुंदर है, स्मार्ट है, तो कहती है कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और घन तिमिर में चपला कीड़े, और तपन में शीतल बंद भया, और जब एडम और ईव भी आए उन्होंने प्रेम किया, तो साहित्यकारों को प्रेम का विषय पहले से मिल गया था, राइट, इसलिए प्रेस कभी भी आई, प्रिंटिंग प्रेस कभी छपी, कभी आई, इसलिए प्रेम श्रृंगार बस राज है। अपनी बात पालन करता हूँ, और आपको भूल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं प्रोफेसर हूँ और आप स्टूडेंट हूँ, आप एंजॉय कर पाएंगे, साहित्य के विद्यार्थी हैं तभी प्रेम समझ पाएंगे, एक कठिन करता है आपको अच्छी रहेगी, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, मेरा तुम्हारा संग तो संस्कृत, मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, ये देह का संबंध भी लोकांतरों से है, मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, ये देह का संबंध भी लोकांतरों से है, मैंने सदा तुमको स्वयं के प्राण जाना है, मैंने सदा तुमको स्वयं के प्राण जाना है, और तुम में ही सदा निर्वाण जाना है। विष्णु जी मैंने सदा तुमको ताली, जाना है और तुम में ही सदा निर्वाण जाना है, आश्चर्य है, आश्चर्य है हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी, आश्चर्य है हवाएं, हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी, पर उपालंबों से मुझे तुम चकित कर बैठी, हवाएं तुमको भ्रमित कर बैठी, पर उपालंबों से मुझे तुम चकित कर बैठी, मैं लिखे विश्वास है लेकिन मुझे तुम जानती हो सब, तुम जानती हो सब, पर परीक्षा ही प्रणय की अभिशाप बन बैठी, लाभ अब कुछ भी नहीं विषयांतरों से है, लाभ अब कुछ भी नहीं विषयांतरों से है, और मेरा तुम्हारा संग तो जन्मांतरों से है, मेरी प्रणय साधना में विश्राम नहीं, मेरी प्रणय साधना में विश्राम नहीं है, मेरी प्रणय साधना में विश्राम नहीं है, पर तुम भी मुझको इस जग में आराम नहीं, मेरी प्रणय साधना में विश्राम नहीं है, पर तुम भी मुझको इस जग में आराम नहीं है, पर क्षण भर को मेरे मन मंदिर में आ जाओ, क्षण भर को मेरे मन मंदिर में आ जाओ, चारों को तुम ही हो इसमें राम नहीं है, क्षणों में मैंने फ्यूचर, किन्हीं क्षणों में जब तुम मुझको याद करोगे, किन्हीं क्षणों में जब तुम मुझको याद करोगी तब तुम मुझसे मिलने की फरियाद करोगे, किन्हीं क्षणों में जब तुम मुझको याद करोगे, किन्हीं क्षणों में जब तुम मुझको याद
याद करोगी तब तुम मुझसे मिलने की पर याद करोगी प्लान देखे और फिर मेरी मजबूरी आड़े आएंगी और फिर मेरी मजबूरी आड़े आएंगी पर जाने किसका दिल पर तुम आबाद करोगे अपने गम को पीकर जिसने खुशियां बांटी अपने गम को पीकर जिसने खुशियां बांटी पर दीवाना ही दीवाने को पहचान सके सब पर
गर्व, लेकिन गर्व विनय पोलाइटनेस, लेकिन गर्व विनय की सीमा तोड़ेगा, लेकिन गर्व विनय की सीमा तोड़ेगा। ऐसा तो मान नहीं था पर तेरी प्रीत चलेगी मुझको, ऐसा तो विश्वास नहीं था अच्छा कहता मुझको दीवाना, या मेरा उपवास मैं सौ सौ आवाजें देकर हार गया हूँ और क्षण क्षण में तुम दिल पर प्रतिबिंबित होती हो, क्षण क्षण में तुम दिल पर प्रतिबिंबित होती हो, मानो इन बाहों में विश्रमित होती हो बिना कष्ट, मानो इन बाहों में विश्रमित होती हो। भाई देखिए तुम्हें कष्ट होने पाए, तुम्हें कष्ट होने पाए, यही सोचकर तन से मन के इच्छित वस्त्र उतार गया हूँ। जानो कुछ लो तुम्हें कष्ट होने पाए, यही सोचकर तन से मन के इच्छित वस्त्र उतार गया हूँ। भाई देखिए सदा प्रतीक्षा रत रहना ही मन पाए, संस्कृत लोग आपकी हिंदी अच्छी है, अच्छी है, सदा प्रतीक्षा रत रहना ही मन भाया है, ऑलवेज वेटिंग, सदा प्रतीक्षा रत रहना ही मन भाया है। ये आवाजें सुनकर भला कौन आया है, आवाजें सुनकर भला कौन आया है, इन सुनी आंखों से पंथ निहार गया हूँ, मैं सौ सौ आवाजें देकर हार गया हूँ और अंतर मन से फिर भी तुम्हें पुकार गया हूँ। आज फिर मेरी आंखों में आंसू थे, आज फिर मेरी आंखों में आंसू थे बच्चे, आज फिर मेरी आंखों में आंसू न थे, सूना पनी मगर मैं गुनगुनाता, आज फिर मेरी आंखों में आंसू न थे, सूना पनी मगर मैं गुनगुनाता रहा, पर याद आते रहे गर्दिशों के वो दिन जिन्हें आज तक मैं भुलाता रहा। वाह वाह, आज फिर मेरी आंखों में आंसू न थे, आज फिर मेरी आंखों में आंसू न थे, सूना पनी मगर मैं गुनगुनाता रहा, याद आते रहे गर्दिशों के वो दिन जिन्हें आज तक मैं भुलाता रहा। लाइन देखिए, एक अरसा हुआ गॉन अदर डेज, क्या बोलते हैं गॉन अदर दिन चले गए, एक अरसा हुआ सुख मिले थे कभी, लाइन बता दीजिए, एक अरसा हुआ सुख मिले थे कभी, प्रसन्न जी का सम्मान करना था, एक अरसा हुआ सुख मिले थे कभी, क्यों ये क्या हो गया है मेरे दोस्तों, दिल रात टूटता मैं गाता रहा। वाह, क्या हो गया है मेरे दोस्तों, दिल रात टूटता मैं गाता रहा। लाइन देखिए, जब कभी चर्चा जिंदा दिली की थी, जब कभी चर्चा जिंदा दिली की हुई, मैं स्वयं को उधार बताता रहा। वाह, जब कभी चर्चा जिंदा दिली की हुई, मैं स्वयं को उधार बताता रहा। कुमार कहता है कि हरे कुमार दोस्त की, कभी जग लिए तुम बिन, कभी सो लिए तुम बिन, कभी हंस लिए तुम बिन, कभी रो लिए तुम बिन, भरी महफिल में भी तन्हा रो लिए तुम बिन, हमारी जिंदगी में क्या एक तमायफ्ता घराना है, हर दिन सजगना है, हर दिन रोना है, और तुम्हारी याद करता है मुझे तो हर रोज आना है। वाह, आज फिर मेरी आंखों में आंसू थे, सुना तन में गुनगुनाता रहा, तो याद आते रहे दूसरे वो दिन जिन्हें आज तक मैं बुलाता रहा, एक अरसा हुआ सुन मिले थे कभी, तो क्या हो गया है मेरे दोस्तों, दिल रहा टूटता मैं गाता रहा, जब कभी चर्चा जिंदा दिल की हुई, मैं स्वयं को उदाहरण बताता रहा, पर क्या कहूँ एक मधुर मुस्कुराहट के नीचे मगर एक दम में छिपाता रहा। एक गीत सुनाता हूँ, अंतिम गीत है, आप सब लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद 25 साल बाद 30 साल बाद आपका प्रथम प्रेम आपको कहीं खाई जाता है, किसी बेटी का जन्म नाम आपका ब्यूटी को सॉन्ग अच्छा लगेगा, सबके साथ होता है कि कोई नई बात नहीं, सब करते मम्मी भी करती हैं पापा भी करते हैं, सब छिपाते हैं सब। ठीक बोल रहा हूँ, मेरी पहली उपलब्धि प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामी, जिसको कहते हैं दुनिया में हम सोचते हैं हमारा नुकसान पैसे का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, हम ये भूल जाते हैं कि एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना मानव धर्म है। एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना मानव की सबसे बड़ी हानि है, हम सोचते हैं प्रॉपर्टी चलेगी प्लॉट चलाया तो ये कहानी नहीं, नहीं मेरी पहली उपलब्धि जिसको पाकर मैंने
मेरी पहली उपलब्धि जिसको पाकर मैंने खोया, जिसका प्रेम भरा छाया में मेरी कविता में भी, मेरी पहली उपलब्धि जिसको पाकर मैंने खोया, और जिसका प्रेम भरा छाया में मेरी कविता में भी होया, और जिसकी भूली याद सताती थी मुझको रातों में आकर, जिसकी भूली याद सताती थी मुझको रातों में आकर, बरसों बाद देख रहा हूँ आज से मेरी पहली उपलब्धि फर्स्ट क्रश मेरी पहली उपलब्धि जिसको पाकर मैंने खोया, और जिसका प्रेम मधा छंदों में मेरी कविता में भी होया, और जिसकी भूली आस पाती थी उसको रातों में आकर, तो बरसों बाद देख रहा हूँ आज से यहाँ पर। भाई देखिए आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज अधूरी बात बता दूँ, आज बड़ा सुंदर अवसर है, आज अधूरी बात बता दूँ, शुरू करूँगा प्रिय वहीं से मिलन हमारा पहला पहला, शुरू करूँगा प्रिय वहीं से मिलन हमारा पहला पहला। चांदी की रात सुनहरी तारे प्यारा चांद, मैं चांदी की रात सुनहरी तारे प्यारा चांद, पहला उसी रात में उसी चांद के नीचे हम दोनों का मिलना, उसी रात में उसी चांद के नीचे हम दोनों का मिलना, बिंब ही बिंब इमेजरी अपने तप्त अधर अधरों पर धर मेरी आँखों में छुपना, अपने तप्त अधर अधरों पर धर मेरी आँखों में छुपना, तब मेरे अधिकारों की सीमा पर भी बर्बाद नहीं, ऑब्जेक्शन, तब मेरे अधिकारों की सीमा पर भी प्रतिवाद नहीं था, पर स्वर्ण उषा थी सत्य गगन था, स्वर्ण उषा थी सत्य गगन था अब जैसा अवसाद नहीं था, स्वर्ण उषा थी सत्य गगन था अब जैसा अवसाद नहीं था, और तभी अचानक संशय की काली बदली नभ में गिरा, संशय की काली बदली नभ में गिराई, आरोपों के चक्रवात की धूल सभी हृदयों पर छाई, आरोपों के चक्रवात की धूल सभी हृदयों पर छाई, और थमा जब विप्लव तो तुम दूर खड़ी में दूर खड़ा, और थमा जब विप्लव तो तुम दूर खड़ी में दूर खड़ा था, अब ही कारण मैंने देखा हम दोनों के बीच अहम का छेद पड़ा, बात वही थी, तारों की बारात वही थी, लेकिन उनके रंगों में मुस्काने वाली साफ नहीं, तारों की बारात भरी थी लेकिन उनके रंगों में मुस्काने वाली साथ नहीं थी, सच कुछ कह दूँ मैंने फाड़े कितने माफी नामे लिखकर, मुझे रुलाया करती थी तुम दिखकर अचानक छुपकर, मुझे रुलाया करती थी तुम दिखकर अचानक छुपकर, तब से आज मिली हो गए तुम दिल के सारे भाग पावन संबंधों का नेको भास उड़ाए, मेरे इन पावन संबंधों का नेको भास उड़ाए, रातों में रोकर दिल के सारे मैल मिटाए, रातों में रोकर दिल के सारे मैल मिटाए, ये उठा लो वह कष्ट से और शुभ गले लगाओ, मेरी पहली उपलब्धि जिसको पाकर मैंने खोया, इसका प्रेम पदा छंदों में मेरी कविता में भी होगा।